आदाब, मैं मोहसिन शादाब, न्यूज एम एच 29 में आप सभी का स्वागत। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। यवतमाल जिले के लिए सख्त प्रतिबंध वाले नए दिशा निर्देश 9 मई से होंगे प्रभावी। जिले में कोरोना रोगियों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए जिला कलेक्टर अमोल येड़गे ने यवतमाल जिले के लिए नए दिशा निर्देशों के साथ नए प्रतिबंध लगाए हैं। ये प्रतिबंध 9 मई के सुबह 7 बजे से 15 मई के सुबह 7 बजे तक होंगे। किसी को भी बिना जरूरी चिकित्सीय कारण के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी। सभी किराने की दुकानें, दूध डेयरी, बेकरी, हलवाई की दुकानें, चिकन मटन मछली और अंडे की दुकानों सहित सभी दुकानों को सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक ही संचालित करने की अनुमति दी गई है। साप्ताहिक बाजार, पारंपरिक सब्जी बाजार, सब्जी और फल बेचने वाले स्ट्रीट वेंडर पूरी तरह से प्रतिबंधित है। हालांकि उन्हें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक सोसाइटियों, कॉलोनी और सड़कों पर जाकर सब्जियों और फल बेचने की अनुमति दी गई है। कृषि सेवा केंद्र, बी बीज, उर्वरक, कीटनाशक बिक्री केंद्र सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक ही खोले रह पाएंगे। यदि आवश्यक दुकानों के अलावा अन्य दुकानें खुली हैं और आवश्यक सेवाओं के साथ दुकानें नियमों के उल्लंघन में दिए गए समय के बाद खोली जाती हैं तो उन्हें 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और प्रतिष्ठान तब तक बंद रहेगा जब तक कि कोविड-19 की बीमारी की सूचना पर अमल नहीं किया जाता और प्रबंधन अधिनियम के अनुसार उनके खिलाफ अपराध दर्ज किया जाएगा। शादी समारोह 25 लोगों की उपस्थिति सीमा के साथ एक घरेलू तरीके से आयोजित किया जाना चाहिए। विवाह की अनुमति संबंधित तालुका के तहसीलदार से लेनी होगी। नियम और शर्तों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। सभी निजी, सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालय केवल आवश्यक सेवा कार्यालय बंद रहेंगे, जैसे राजस्व, स्वास्थ्य, नगर परिषद, नगर पंचायत, बिजली, जलापूर्ति, ग्राम पंचायतें जारी रहेगी। सरकारी कार्यालयों से आगंतुकों को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और संबंधित कार्यालय के प्रमुख के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। बिना किसी जरूरी या चिकित्सीय कारण के घर से बाहर जाने वाले लोगों से 200 रुपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा और टीम एक कोविड परीक्षण करेगी। यदि परीक्षण रिपोर्ट सकारात्मक आती है तो उन्हें CCC अर्थात कोविड केयर सेंटर भेजा जाएगा और उनसे लागत वसूल की जाएगी। ये आदेश यवतमाल शहर और जिले के संपूर्ण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 9 मई के सुबह 7 से 15 मई के सुबह 7 बजे तक लागू होंगे। उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, भारतीय संक्रामक रोग नियंत्रण अधिनियम 1897, भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 1860 और अन्य संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। न्यूज एम एस 29 पर इसी प्रकार की अन्य खबरों को देखने के लिए न्यूज एम एस 29 को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत बेल आइकॉन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए।